ओके तो हाउ टू प्रेडिक्ट मैरिज, वैसे मजाक वो गुप्ता जी का ही था जिसमें मेरा रिप्लाई थोड़ा भावना में गया, व्हाट एवर चार्ट पे आते। हाउ टू प्रेडिक्ट मैरिज इज द क्वेश्चन, राइट। ये चार्ट है सपोज, इसमें मुझे मैरिज देखना है। दो बात मैं पहले पिछली रिकॉर्डिंग में बोल चुका हूँ, एलिबरेटली मैंने बोला था संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि बात बार बार रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। रिपीट मैं कर देता हूँ पर उसको विस्तार में रिपीट नहीं कर पाता ना, सेम वर्ड्स कहाँ से लाए दोबारा। कि पहली बार तो मैं चाहा है सनम जी भर के, दोबारा भी चाहेंगे लेकिन जी कहाँ से लाएंगे, जी पे चला गया। तो इससे पहले जो रिकॉर्डिंग थी जो कि अब मैं नहीं डालने वाला हूँ होपफुली, अगर ये मर्ज नहीं कर देता है तो, उसमें मैंने दो बात बोली थी। पहली बात कि कुछ भी फिक्स नहीं है, आप ज्योतिष में अगर एक फिक्स रूल चाहते हैं तो आपको नहीं मिल सकता। आप पूछते हैं क्यों नहीं मिल सकता, सर इस वजह से नहीं मिल सकता क्योंकि दो लोगों की किस्मत एक जैसी नहीं होती, तो रूल कैसे एक जैसा होगा, नहीं हो सकता ना, इसलिए जो है कोई रूल फिक्स नहीं होता। पॉइंट वन। पॉइंट टू, आपको करेक्ट दशा चूज करना है। हाँ उसमें मैंने तीन पॉइंट और बोले थे सॉरी। पहली बात, आपको हर चार्ट का रेक्टिफिकेशन जरूर ही करना चाहिए। आप एक सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल यूज करते हैं, कोई और एस्ट्रोलॉजर एक सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल यूज करता हुआ हो सकता है। अगर पास्ट इवेंट आपके सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स से मैच नहीं हो रहा है, जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो फ्यूचर भी नहीं हो पाएगा, आप ये बात मान लो। इसलिए कोई भी चार्ट आपके पास आए आप उसको रेक्टिफाई करो ही करो। वन। दूसरी बात, मैं हमेशा विंशोत्तरी दशा यूज नहीं करता। मेरे पास 10 दशाओं का एक ग्रुप है, जिस 10 दशा में से जो एक एप्लीकेबल होती है वो मैं यूज करता हूँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हो सकता है सिर्फ विंशोत्तरी यूज करते हो, वो उसको कर सकते हैं। किसी और की किसी और पे मास्टरी हो भाई, किसी का ट्रांजिट अच्छा होता है, प्रोग्रेशन अच्छा होता है, जो अच्छा होता है वो अच्छे टूल को इस्तेमाल करता है तो उसको इस्तेमाल वो करेगा। तीसरी बात जो है, प्रेडिक्शन कैसे कराएं, उसमें रूल नंबर वन तो ये है कि देखो भाई कुछ फिक्स नहीं है, इसी में काम होगा ऐसा कुछ नहीं होता। सप्तमेश की दशा में शादी होगी जरूरी नहीं है, वीनस की अंतर दशा में ही शादी होगी जरूरी नहीं। हर चार्ट का अपना एक डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हर चार्ट के अपने प्रॉमिसेस होते हैं। आपको सारे प्रॉमिसिंग प्लेनेट को निकालना है ढूंढ के। वो आप निकालेंगे कैसे, सबको एनालाइज करके, डिटेल्ड माइन्यूट एनालिसिस सबका करके आपको निकालना पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट प्रॉमिसिंग है। एक बार आप प्रॉमिसिंग प्लेनेट निकालेंगे है ना, उसके बाद आप उसको पावरफुल वीक के ऑर्डर में रख सकते हैं। जो प्लेनेट पावरफुल है वो अपनी प्रत्यंतर दशा में भी रिजल्ट कर सकता है क्योंकि वो पावरफुल है बहुत ज्यादा। अगर प्लेनेट उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है तो अपनी महादशा में भी फल कर सकता है क्योंकि वो पावरफुल तो है नहीं ना, तो अंतर प्रत्यंतर दशा के लेवल पे कर नहीं पाएगा, बिकॉज ही इज रूल्ड बाय द लॉर्ड ऑफ द अंतरदशा एंड महादशा। तो उसको वीक प्लेनेट महादशा के लेवल पे आके ही काम कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट प्रत्यंतर दशा के लेवल पे भी कर देगा, कोई बात नहीं, बल है उसके पास, बलशाली। तुलसीदास का स्लोगन है, समर्थ को दोष न होत गोसाई। तो पावरफुल आदमी को पावरफुल प्लेनेट को प्रत्यंतर दशा लॉर्ड होने का दोष नहीं है। पावरफुल को किस बात का दोष, बाहुबली को क्या दोष भाई, है ना। ठीक है, अब मान लो ये चार्ट आ गया मेरे पास, मुझे इसकी शादी बतानी, तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें कौन सी दशा लग रही है। शताब्दी का दशा एप्लीकेबल फ्रॉम मून, ओके डन। शताब्दी का दशा फ्रॉम मून, ओके डन। नाउ अब हम एनालिसिस पे आएंगे। सबसे पहले 2006 से 2026 तक इस आदमी की मंगल की दशा है। देखो एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखो, ये थोड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल होगा। चार्ट इज नॉट विजिबल, चार्ट इज नॉट विजिबल, ऐसा कैसा, बाकियों को दिख रहा है भाई? ओके हाँ हाँ हाँ, मैं कह रहा था दिख रहा है, क्या कह रहा था मैं भूल गया। हाँ जी, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात मैं बोलूंगा अभी,
लेकिन बात पते की बोलता हूं मैं। एक होता है जी देश काल पात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन इसका मिसयूज और मिस इंटरप्रिटेशन इतना होता है कि पूछो ही मत है? तो रूल कहता है देश काल पात्र को ध्यान रखना चाहिए। अब इस देश काल पात्र को ध्यान रखने के चक्कर में क्या है कि लोग कई बार सबटल प्रेडिक्शन को लूज कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस आदमी की मास दशा 2006 से 2026 तक है, चार्ट मैंने अभी का बनाया हुआ है, दैट मींस टू से कि ये पर्सन 2019 में बॉर्न हुआ है, राइट? तो 19 से 26 कितना हुआ भाई, मतलब इस पर्सन की 7 साल की उम्र तक मास दशा चलेगी, राइट? मैं शादी देख रहा हूं तो मार्स दशा में शादी नहीं हो सकती, दैट इज वेरी श्योर, क्योंकि देश काल पात्र बदल चुका है। तो पहले अगर पहले का जमाना होता भाई 1800s का, ये लड़की की कुंडली होती तो मार्स बीइंग विद द सेवंथ लॉर्ड इन डी1 एंड एक्सपेक्टिंग द सेवंथ हाउस इन डी9 हो सकता था, इसकी शादी करवा देता, बाल विवाह। लेकिन अब तो भाई काल बदल गया ना, तब तो बाल विवाह नहीं होती। तो अब मैं इसको सर्टनली कह सकता हूं कि इसका जो है जी मार्स दशा में शादी नहीं हो सकती। नाउ कम टू सैटर्न। सैटर्न 2026 और 2055 में चल रहा है, बहुत ही लंबी दशा है, तो इसमें तो इसकी शादी हो ही जाएगी। लेकिन मैं इस एग्जांपल को थोड़ा बदल देता हूं। सपोज 0 से 8 ईयर्स तक इसकी मार्स की दशा चली और 8 से 25 साल तक और से 24 साल तक इसकी किसी और प्लेनेट की दशा चली, ऐसे प्लेनेट की जो मैरिज तो दे सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर और आप ये कह रहे हो कि क्योंकि 24 साल की उम्र में शादी नहीं होती, सपोज किसी लड़की का हॉरोस्कोप है, मस्त बेंगलोर में रहती है, मुंबई में रहती है, बढ़िया, और आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि भाई 24-25 साल की उम्र में तो कौन ही शादी कर रहा है आजकल, तो इसकी शादी नहीं होगी, तो आपकी बात ठीक है, गलत नहीं है, शादी नहीं होगी इसकी। लेकिन आप एक सबटल पॉइंट को मिस कर जाओगे। क्या सबटल है ना? सबटल पॉइंट ये प्ले बॉय प्ले गर्ल का बड़ा कंसेप्ट है भैया, बहुत देखा हमने तो आज तो लोग टिकटॉक में लड़कियां पटा लेते हैं, हमसे जीवन में नहीं पटी लेकिन लोग टिकटॉक में पटा लेते हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, मैंने सोचा कि रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लॉन्च करता हूँ, तो पैसे बहुत है ना, तो यंग बच्चे बहुत पैसा खर्चा करते हैं, जहाँ पैसा वहां सुबह। तो मैंने कहा भाई एक रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लॉन्च हो, तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली एक दिन सोच रहा था कि ये लव के क्या कॉम्बिनेशन। देखो दो प्रकार का प्यार होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग, एक वो प्यार है जो सच्चा प्यार है, आप जीवन में 30-35 साल की आपकी उम्र हो गई, आपने शादी नहीं की, आप शादी करना भी नहीं चाहते, लेकिन कोई आपकी जिंदगी में आता है, प्रेम का झोंका बहता है, आपको प्यार हो जाता है। ये बड़ा रेयर है, जीवन में 1% बार होता है, 80% टाइम हवस होती है, मुझे अपनी पत्नी पसंद नहीं है, ऑफिस में एक लड़की बहुत पसंद आई, क्या ही फिगर है, बस मुझे प्यार हो गया, ये हवस है, इसको मैं हवस की कंसेप्ट को देखता हूँ। या फिर आजकल 20 साल के बच्चों को जो प्यार हो रहा है वो हवस है, प्यार नहीं होता। तो अब बात यह है ना कि 80% आदमी हवस ही लेके आपको आपके पास आ रहा है, कि सर हवस का निराकरण कैसे हो? आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको जवाब देना है, जजमेंट नहीं देना है, जजमेंट देने के लिए आप नहीं बेटा भगवान नहीं हो आप, आपको जवाब देना है। तो मैं बड़ा सोच रहा था, मैं बड़ी सोच में पड़ा था, मैंने बहुत दोस्तों से चार्ट मंगाए, मैंने कहा जब तुम्हारा रिलेशनशिप रहा हो मेरे को चार्ट दो और ये करो और वो करो, मैं देखो कि ज्योतिष की दुनिया में ना बड़ी अफरा तफरी फैली हुई है। सम पीपल टेक 5th हाउस फॉर लव, सम पीपल टेक 5th हाउस फॉर लव, मेनी पीपल टेक, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल टेक, आई टेक 4th हाउस फॉर लव। लेकिन यहां बात उसकी नहीं है, मैं पूछ रहा हूं क्या ये प्यार है? नहीं, प्यार नहीं है, हवस है। प्यार कैसे होगा? प्यार नहीं हो सकता है। 20 साल का लड़का, उसको 17 साल की लड़की से प्यार है, 4 दिन उसको बात करते हुए वाणी, 5वें दिन न्यूट्स मांग रहा है, प्यार है? नहीं हो सकता। लव इज समथिंग डिफरेंट, एंड स्पेशली इफ यू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 5th हाउस। 5th हाउस इज मंत्र, 5th हाउस इज संतान। आपके संतान का प्यार और गर्लफ्रेंड के प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। यू डोंट ग्रेटिफाई सेक्सुअली विथ योर संतान, फैंटेसी में होता है, जीवन में नहीं होता है, कुछ लोग हैं कर लेते हैं, वो भगवान जाने, रियल लाइफ में डजंट हैपन, राइट? तो इस प्यार में फर्क है, प्यार नहीं है बाबू, वासना है, वासना।
बट ये वासना को मैं चार्ट में कैसे देखूंगा? इस मामले में बड़ा नोटोरियस आदमी हूं फ्रैंकली स्पीकिंग। कोर्स के स्टूडेंट के साथ कभी करेंगे पब्लिक वेबिनार तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन दो तीन बार मैंने लोगों को बोल दिया कि यू हैव अ इलिक्विड रिलेशनशिप विद दिस रिलेटिव ऑफ योर्स और ऐसा वैसा, और लोग तो कान पकड़ लेते हैं मेरे सामने, बस सर बोलना मत कीजिए सर। लेकिन चलो पर्सनल लाइफ है भाई, लोग मुझे पैसे इसलिए दे रहे हैं ताकि उनको राज को राज रखूं, ठीक है, तो नाम नहीं लूंगा चार्ट नहीं दिखाऊंगा, बट मैनी टाइम्स इट हैपेंड। मैं ऐसा कैसे बोल लेता हूँ? एक केस था बहुत दिन पहले, एक लड़की है 26 साल की, उसकी शादी हो गई है 2 साल पहले, पति सामने नहीं, ये लड़की मेरे सामने है, दोस्त के उसकी है, मैंने उसको बोल दिया कि ये तेरी सेकंड मैरिज है। वो मुझे कबूल करते, जब मैं स्कूल में थी सर तब मैंने घर से बाहर करके एक लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली थी, मैरिज नहीं टिकी, 2 हफ्ते में करके बाहर रही थी, उसके बाद आकर मैरिज डिसॉल्व करते, मैंने कैसे बोल दिया उसको? जब देखेगा नहीं चार्ट में बोल पाएगा, उसकी तो एक ही मैरिज है ना, आप तो बायस हो जाओगे, उसकी तो एक ही मैरिज है भैया, मुझे चार्ट में 2 मैरिज दिख रहा है लेकिन इसकी तो एक ही मैरिज है, आप बायस हो जाओगे, आप चुप रह जाओगे। ये बायसनेस यहाँ से आती है, देश काल पात्र का गलत इस्तेमाल, और रेदर देन सेइंग दिस आई विल से रूल को ठीक से ना समझ पाना हैंडीकैप होता है, राइट? जो मैं एग्जांपल दे रहा था ना, 0 से 8 ईयर्स तक इसकी मार्स की दशा चल रही थी ठीक, 8 से 24 तक मान लो किसी और प्लैनेट की दशा चल रही थी, या 25 तक किसी और प्लैनेट की दशा चल रही थी। आदमी है किसी मेट्रो सिटी में रहता है, मुझे पता है 25 से पहले इसकी शादी नहीं हो सकती, फैमिली के सर्कमस्टांसेस भी वैसे हैं कह लो, है ना, कि माँ बाप भी जो है दुबई उबई में रहते हैं, बाहर लड़का तो बस पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठा, सब सिचुएशन नहीं हो सकता। बट सपोज कि मुझे उस दशा में विवाह दिखता है, मुझे वो जो 8 से 24 के बीच की दशा है उसमें भी विवाह दिख रहा है, सम एस्ट्रोलॉजर्स विल कीप क्वाइट इन द फेस ऑफ द थिंग कि देश काल पात्र के दम पे प्रेडिक्शन ठीक नहीं निकलता, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा कि तेरा अफेयर है, और वो बोलेगा हाँ सर है, क्या उस अफेयर से शादी होगी दूसरा क्वेश्चन है, वो उसके लिए मैं प्रश्न बनाऊंगा, लेकिन अगर 8 से 24 के बीच में दशा आ रही है तो उसको बोलूंगा तेरा अफेयर है, तगड़ा अफेयर है। एक चार्ट में आपको दिखाता हूं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, मैं जरूर मैं आपको वो चार्ट दिखाता, 18-20 साल का लड़का है, 5th हाउस में नीच का चंद्रमा, 11th हाउस से उसको शुक्र वगैरह देख रहे हैं, और अब शुक्र 4th लॉर्ड है, ध्यान रखना नीच का चंद्रमा 5th हाउस में, शुक्र 4th लॉर्ड है, और ऐसा करके कुछ कॉम्बिनेशन है भाई साहब, 20 साल का लड़का है, मुझे फोन करके कह रहा है कि सर मुझे आपसे कंसल्टेशन चाहिए, बहुत अमीर परिवार से हूँ, जितना पैसा आप मांगोगे उतने पैसे में दूंगा, एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ, आप मुझे उसको दिलवा दो, नहीं तो सर मैं खुद भी खुदकुशी कर लूंगा, उसको भी मार लूंगा। मैंने बोला बेटा 3 लाख रुपए अभी ट्रांसफर कर दे, तो लड़की दे रही, कह रहा सर इतने पैसे थे, मैंने फोन रख चलो। ऐसे यार देखो तुम कह रहे हो जितने पैसे मांगोगे सर उतने दे दूंगा, लड़की दिलवा देने का दे 3 लाख रुपए अभी बताता हूँ, नहीं दे सकता तो फिर फोन रखिए जरा। तो ऐसे बेवकूफ है इस दुनिया में, अब इस प्यार को क्या नाम दूं, या ये रिश्ता क्या कहलाता है, हवस और क्या कहलाएगा, प्यार है ये, प्यार है लड़की को मार दूंगा, नहीं होता। मैं लेट मी टेल यू रियल इंसिडेंट, क्या है, किसी को मैं पसंद करता था, रिलेशनशिप भी मेरा था, टूट गया, तो मैं उसकी फेसबुक प्रोफाइल चुपके चुपके देखता था। कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक केस हुआ दिल्ली में, किसी लड़के ने किसी लड़की को मार दिया, मेरे घर के बगल का केस है, तो उस पर मैं एक न्यूज में कॉलम पढ़ रहा था, किसी अच्छी महिला का कॉलम था, अच्छी जर्नलिस्ट थी, उसने उस कॉलम में लिखा कि स्टॉकिंग क्या होता है, उसमें उसने एक लाइन लिखी थी कि किसी और की मर्जी के बिना उसको बार बार मैसेज करना, फोन करना भी स्टॉकिंग की कैटेगरी में आता। मैंने बात पढ़ी, मैं उसको प्रोफाइल देखना छोड़ दिया, नहीं नहीं देखूंगा मैं, किसी को क्यों स्टॉक करूंगा भाई, दिस इज बैलेंस्ड माइंड। अगर मुझे पता है कि सामने वाला बंदा, मुझे लड़की पसंद है, मैं जाके बोलूंगा हाँ भाई पसंद है क्या, चलती का खंडाला, उसको मना करती मैं दोबारा उसको क्यों डिस्टर्ब करूंगा, लेकिन ये तो कह रहा है सर मार ही दूंगा, नीच का चंद्रमा इन द 5th हाउस, 4th लॉर्ड क्या नाम है इसका यार, 4th लॉर्ड वीनस इन द 11th हाउस, स्वग्रही एकादश स्वग्रही इन 11th हाउस विद गुलिक, 3 लाख रुपए मुझे दिए नहीं, मैंने उससे बात की नहीं, as simple as that, but still these things
आर द पॉइंट राइट. ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए इसलिए मैंने बोला, है ना, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो ताकि आपको कुछ सीखने को मिले. प्रेडिक्शन तो मैं दे नहीं रहा किसी चार्ट पे, चार्ट तो अभी का है, बच्चा पता नहीं पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है. ओके, दिस शुड बी टेकन इन माइंड, कैप्ट इन माइंड राइट. एक होता है रूल का यूज और एक होता है रूल को ठीक से ना समझना या इग्नोरेंस के साथ इस्तेमाल करना. तो दिस इज डिफरेंस राइट. ओके, नाउ कमिंग टू दिस चार्ट. इसकी मार्क 2006 से 26 तक चल रही है. अभी का मैंने चार्ट बनाया हुआ है आज का, दैट मीन्स टू से ये नेटिव 2019 में पैदा हुआ है. ठीक है जी, अब 2026 में अगर मैं 2019 घटा देता हूं तो 7 साल होते हैं, तो 7 साल में इसकी मार्क्स दशा खत्म होती है. पॉसिबली 7 साल में इसकी शादी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू देशकाल पथ प्रिंसिपल. अगर ये लड़की होती सन 1800 से पहले पैदा हुई होती किसी पुराने पीछे के गांव में नरकटियागंज में जाकर के, हो सकता है शादी हो जाती, बाल विवाह प्रथा और थी, हो सकता है विधवा होकर के सती भी हो जाता. अब देश समाज बदल चुका है, ऐसा नहीं होगा. तो मैं मार्स को नहीं देखना, ऑल्दो मार्स इज वेरी मच प्रोबेबल टू गिव मैरिज, नहीं देगा मार्स मैरिज नहीं देगा. इसमें एक इंडिकेशन ये भी है कि मार्स मैरिज नहीं देगा, और बहुत सारे इंडिकेशन ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मार्स मैरिज देगा. मार्स मैरिज देगा कि कॉम्बिनेशन ये है कि मार्स इज विद द फिफ्थ लॉर्ड इन डीवन, मार्स इज विद वीनस इन डीवन, इन डी 9 मार्स इज इन द लग्न एक्सपेक्टिंग द 7th हाउस. ओके, तो कुछ इंडिकेशन ये है. वो इंडिकेशन जो बता रहे हैं कि मार्स शादी नहीं देगा, वो द रीजन इज मार्स इज इन द 6th हाउस, दैट इज 12th फ्रॉम द 7th हाउस राइट. वो एक इंडिकेशन है. दूसरा इंडिकेशन है कि ये नवांस में जो मार्स है वो सैटर्न की राशि में है बेसिकली, तो दैट शुड सर्टनली डिले. ओके, इसमें यहां मैं एक और पॉइंट जरा ऐड करना चाहता हूं. 80% ऑफ द टाइम आई हैव सीन कि अगर किसी के चार्ट में मैरिटल लाइफ खराब है ना, तो आदमी शादी तब करता है जब बुरी दशांतर दशा चल रही हो, कि उसकी तो मैरिटल लाइफ खराब है. अब अच्छी दशांतर दशा में शादी करेगा तो फिर तो ठीक हो जाएगी, तो आदमी बुरी दशांतर दशा में शादी करता है. अष्टमेश की दशा में शादी कर लेंगे, द्वादशेश की अंतर दशा में शादी कर लेंगे, वही हो जाते हैं फड्डे पर. द्वादशेष के अंतर दशा में शादी करेगा तो बीवी घर में कैसे रहेगी, मायके में रहेगी ना भाई. तो दैट इज द रीजन जो मैं कल की क्लास में आप लोगों को बोल रहा था कि ज्योतिष में आदमी आपसे ये नहीं सुनने आया कि सर आपकी मेटल लाइफ खराब है, उसको पता है उसकी खराब है, वो आपसे उपाय सुनने आया है. उपाय आप दो लेवल पे कर सकते हो. उसने शादी कर ली, अब क्या उपाय करोगे आप, कुछ नहीं. आप उसको साइकोलॉजी दे दो, बोलोगे गुस्सा कंट्रोल करना सीखो, है पत्नी परम देवाय नमः मंत्र का जाप करो, उसके अलावा क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. लेकिन शादी से पहले यू कैन डू. अगर उसने शादी नहीं की है, वो लड़की का चार्ट लेकर के आपके सामने आता है, आप मैचिंग करते हो, आपको पता चलता है कि इससे इसका मैचिंग ठीक नहीं है, यू कैन स्टॉप द गाय फ्रॉम मैरिंग. जैसे उसका मेटल लाइफ ठीक हो सकता है, बट दैट यू कैन ओनली डू अंटिल द डिसीजन इज नॉट टेकन. द डिसीजन इज टेकन देन व्हाट यू कैन डू राइट. ये चीज है, जो फैक्ट है सो फैक्ट है. देवता आसमान से उतर करके उसकी बीवी का दिमाग नहीं बदलने वाले राइट. मार्स में नहीं हो सकती. सैटर्न का एनालिसिस करते हैं, क्या शनि की दशा में इसकी शादी हो सकती है. 2026 और 2055 तक की दशा है, बड़ी लंबी दशा लग रही है मुझे तो. 55 में 26 घटाएं कितना बचता है, 29 साल की लंबी दशा. 29 + 7 = 36, इससे पहले इसकी शादी हो ही जानी चाहिए. अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लोगों की शादी का 36 के बाद नहीं होती, होती लोगों की शादी 36 के बाद भी होती, क्यों नहीं होती. I will tell you simple funda. If the lord of the house is in Kendra from Lagna or Kendra from significator or both, then marriage will become early. Right? एक बार फिर से बोल देता हूं. If the lord of the house is in Kendra from Lagna or Kendra from significator or Kendra from both, then marriage will be early. Okay? अब ये सवाल कोई मत पूछना मुझसे कि अगर कारक ही हाउस का लॉर्ड हो तो सर क्या होगा. तो Kendra from कारक अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ लग्न से ही होगा. ठीक है,
सिंपली अंडरस्टूड चीज, ठीक है ना। जब मैं कह रहा हूँ 100 मीटर रेस है, आप कह रहे हो सर लंगड़ों का क्या होगा, सिंपल सी बात है, पार्टिसिपेशन नहीं होगा और क्या होगा, है ना। तो ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है सर 100 मीटर का रेस है मेरा बेटा लंगड़ा उसका क्या होगा, भाई पार्टिसिपेशन नहीं होगा उसका क्या होगा, है ना। तो अगर कारक ही भाव का लॉर्ड है तो कारक से नियम अप्लाई नहीं होगा, सिंपल बात है यार, सोचने का क्या उसमें, सिर्फ लग्न से अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब मैंने आपको 3 फैक्टर दिए हैं यहाँ पे, लग्न केंद्रा, कारक केंद्रा, हाउस लॉर्ड। आइदर केंद्रा फ्रॉम लग्ना और केंद्रा फ्रॉम कारक इंडिकेट्स अर्ली मैरिज, केंद्रा फ्रॉम बोथ ऑफ देम इंडिकेट्स वेरी अर्ली मैरिज, बट देयर इज वन एक्सेप्शन। इफ द प्लैनेट हु इज द लॉर्ड ऑफ द हाउस और द कारका इज एफ्लिक्टेड देन इट विल डिले। एक एफ्लिक्शन 5-6 साल का डिले, 2 एफ्लिक्शन 10-11 साल का डिले, 3 एफ्लिक्शन 12-15 साल का डिले। तो इवन इफ this chart, fifth lord is sun, marriage karaka is Venus, I am assuming that the chart is a male chart, assuming, okay. Seventh lord sun, marriage karaka Venus, sun in kendra to Venus, kendra to lagna, no, that means early marriage. How much early? मैं मान लेता हूं कि ये एक मॉडर्न आदमी है, 2018 में पैदा हो रहा है, 19 में पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैरिजेबल एज होनी चाहिए फ्रॉम 28 to 38, ओके। अगर दोनों से केंद्र में होता तो मैं बोलता कि 23 से 28 के बीच में हो जाएगी वेरी अर्ली। कुछ लोग होता है जल्दी प्यार हो जाता है, जल्दी शादी कर लेते, लेकिन इसका वेरी अर्ली कैटेगरी में ना आकर के अर्ली कैटेगरी में आता है, तो मैं इसको बोलूंगा कि तेरा 28 से 32 के बीच में हो जाएगा, जिसको कि हम अर्ली ही मानते हैं। उसके बाद जो होगा 32 के बाद उसको मैं लेट मानूंगा। ऑल्दो आजकल भी मैरिज का बार जो है 30-31 पे खिसक ही गया है ना, तो 18 में पैदा हुए बच्चे के लिए तो खैर वो 32-35 तक भी कुछ ज्यादा डिले नहीं होगा, ओके। तो बिकॉज इट इज ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम वन पॉइंट, आई विल से कि तेरा जो है 28 से 32-33 के बीच में शादी होने का चांस। अब इसमें क्या है ना, मैंने मैलिफिक इन्फ्लुएंस की बात कर रहा था मैं पहले, तो मार्स का मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, देखोगे ये सन जो है ये मार्स के साथ बैठा, कारक पे भी मैलिफिक इन्फ्लुएंस है और लॉर्ड पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस। अब क्या है ना कि ये यहाँ पर दो पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, कारक पे भी और लॉर्ड पे भी। तो मैं इस मैलिफिक इन्फ्लुएंस को 2 बार कंसिडर करूंगा, ओके। क्यों एक बार कंसिडर करूंगा, क्योंकि आयु गणना में एक रूल आता है कि अगर एक भाव में एक से ज्यादा हानि प्राप्त हो रही हो तो जो सबसे ज्यादा हानि प्राप्त हो रही हो उसको लेना है, एक ही हानि को बार बार अप्लाई नहीं करना, समझे ना। अगर एक एक भाव में मान लो कि एक ग्रह नीच है और एक ग्रह शत्रु ग्रही है और एक ग्रह जो है नीच नवांश में है, तो जिससे सबसे ज्यादा पावर कम होती है उसको डिडक्ट करना है, बाकी दो को डिडक्ट नहीं करना, क्योंकि 3 को डिडक्ट करोगे तो रिजल्ट माइनस में चला जाएगा और माइनस में तो रिजल्ट होता नहीं है ना। तो इसलिए मैं इसको 2 बार डिले ना करके एक ही बार डिले करूंगा और मैं इसको बोल दूंगा कि तुम्हारी जो है 28 से 32 के बीच में हमने शादी बोली थी, उसमें मेलिफिक के आने से 28 से 32 के बीच में ना होकर के 32-33, 31-32, 32-33, 34 इसमें होगी। तो मैंने क्या किया, लास्ट पोर्शन ऑफ द अर्ली मैरिज सेक्शन एंड फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लेट मैरिज सेक्शन को आपस में मिक्स कर दिया बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पर दो काम होते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, ऐसे छोटे फॉर्मूलाज जैसे कि ये था, इन छोटे फॉर्मूलाज में ट्रांजिट को भी काउंट करता हूँ, ट्रांजिट भी छोटा फॉर्मूला ही है इसी प्रकार का। ये नेचुरल ईयर आप बोलो, है ना, कि जुपिटर का नेचुरल ईयर 16 साल का होता है वो बोलो आप, ये नेचुरल ईयर का जो बैंड है ये भी, दीज आर दिस शॉर्ट फॉर्मूलाज, राइट। ये शॉर्ट फॉर्मूला है जो कि आपको चीज को कंप्रेस करने में हेल्प करो, समझे। बस अभी क्या होगा, अभी सैटर्न 2026 से 2055 तक चल रहा है, जो इसके 7 साल से 36 साल की स्थिति चल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे हर अंतरदशा को जाके ब्रैकेट ब्रैकेट में जाकर चेक करना पड़ेगा, जो कि बड़ा टीडी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत मेहनत भरा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि मैं ऐसा कोई रूल यूज करूंगा, जैसे मैंने ये रूल यूज कर दिया, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, लाल किताब वाला होता तो वो नेचुरल ईयर यूज कर लेता, यस लाल किताब नेचुरल ईयर लाल किताब में ही ज्यादा आता है, ये वैदिक में तो ज्यादा नहीं आता, तो वैदिक में भी थोड़ा बड़ा आता है, उतना ज्यादा नहीं आता,
या फिर हो सकता है कोई आदमी ट्रांजिट भी यूज कर लेता है, ट्रांजिट नाड़ी वाले ज्यादा यूज करते हैं, वैदिक में उतना ट्रांजिट है नहीं, वैदिक टेक्स्ट में आप पढ़ोगे ट्रांजिट के बहुत ज्यादा फल नहीं बोले, ट्रांजिट यूज कर लेता। ये करने के फायदे ये होते हैं कि आपके पास देखने के लिए बहुत ज्यादा रेफरेंसेज नहीं होते, राइट। इसको यूज कर लेने से क्या है ना कि मुझे अब इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात के साथ अंतर्दशा नहीं देखनी पड़ेगी। मुझे पता है कि 30 से 34 के बीच में, 35 के बीच में इसकी शादी होनी है, मुझे 5 अंतर्दशा देखनी है, ठीक है। तो ये पर्सन 19 बॉर्न है, 2019, 30 साल इसका 2049 में होगा, 49 से 54 के बीच मुझे देखनी है। अब मैं इसमें चलाया, मुझे 49 से 54 देखना है। अब बड़ा ही सिंपल प्रोसेस हो गया, लो 49 से 54 के बीच में एक ही अंतर्दशा आ रही है, दैट इज मार्स। नाउ कैन मार्स गिव हिम द मैरिज? मार्स की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो मैंने सैटर्न को ही नहीं देखा कि सैटर्न शादी दे सकता है कि नहीं। कमिंग टू डी 1, 7th हाउस इंडिकेट्स मैरिज। डज सैटर्न हैव एनी कनेक्शन विद द 7th हाउस? नो। एनी कनेक्शन विद द 7th लॉर्ड? नो। एनी कनेक्शन विद द कारका ऑफ 7th हाउस? नो, नो डायरेक्ट कनेक्शन। इज देयर एन इनडायरेक्ट कनेक्शन? यस। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट इन नक्षत्र दशा डिस्पोजिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर इट, राइट। इन नक्षत्र दशा डिस्पोजिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द डिस्पोजिटर ऑफ द 7th लॉर्ड एज वेल एज 7th कारका इज मून एस्पेक्टेड बाय सैटर्न, सो देयर इज एन इंडिकेशन। Now remember one more rule. These are small rules that does not help you to decide how to time marriage, but these are the rules that mostly work. These rules are like specific in nature, like it is more or less like a rule ke jaisa hai. Formula nahi hai, rule hai. Try to understand. It is not a formula what I'm telling you. It is a rule. Formula is more like when 7th lord goes to lagna, marriage happens. That is a formula, never works. Rule is like when a planet is strong and at the same time conjoining a strong planet in transit, having the dasha of a strong planet, then someone can get a Raj Yoga. Now it is not a formula, it is a rule, right? So rules work in astrology, formula doesn't work, right? Okay. Take one formula I told you, connection. Now there is a second formula. There can be many planets which मैं बताता हूँ, इसमें बड़े प्लेनेट शादी करवा, वीनस शादी करवा देगा, सन शादी करवा देगा, मार्स शादी करवा देगा, जुपिटर शादी करवा देगा, सैटर्न भी शादी करवा देगा, 5 लैंड होगी शादी वाले। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा? तो डिविजनल चार्ट का एक छोटा सा रूल मैं आपको दे दूंगा। जो भी प्लेनेट इवेंट करवाने वाला है प्राइमरली, उस प्लेनेट को उस कंसर्न डिविजनल चार्ट में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होना पड़ेगा, राइट। जो भी प्लेनेट इवेंट करवाने वाला है उसको उस डिविजनल चार्ट में D1 के हिसाब से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होना पड़ेगा, रूल है, ध्यान से रखिए। इस सैटर्न का D1 में इन्फ्लुएंस है कि सैटर्न 7th लॉर्ड और 7th कारक के डिस्पोजिटर को 10th एस्पेक्ट से देखता है। In D9, the connection is that Saturn aspects the 7th lord itself. Point one. Saturn is the lord of Lagna in both the D1 and D7 itself. So he is lord of the 7th from 7th, that is justified. The Rashi position of Saturn has also improved. In D1, it is in a friendly sign. In D9, it is in exaltation. Right? So the condition of Saturn is improved. In D1 connection है कि वो dispositor को देख रहा है, यहाँ पर वो directly lord को ही देख रहा है, तो condition improve हुआ। That means to say Saturn can give. अंतरदशा को shortlist करने का एक बड़ा simple फंडा है कि दशा lord से जो भी planet 6, 8, 12 में बैठते हैं वो ज्यादा काम नहीं कर पाते, but there are exceptions as well, always remember. दशा लॉर्ड से जो प्लेनेट 6, 8, 12 में बैठा है मोस्ट ऑफ द टाइम वो हारमोनियसली उसके साथ बिहेव नहीं करता, इनिमिटी का रिलेशनशिप रखता है,
जो रिजल्ट दशा अलॉट देना चाहता है उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं करता, उसको अपोज करता है जनरली, बट देयर आर एक्सेप्शन, टू एक्सेप्शन. इफ बोथ द साइंस इज लॉडेड बाय सेम प्लैनेट देन द रूल विल नॉट वर्क. इन दिस केस टेक सैटर्न इन नवांश, अगर कोई प्लैनेट टॉरस में बैठा होगा तो ये रूल काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि टॉरस एंड लिब्रा बोथ आर रूल्ड बाय वीनस. दिस इज एक्सेप्शन वन. एक्सेप्शन टू, अगर प्लैनेट खुद ही नेचुरली उन दो सेम हाउसेस का लॉर्ड बनता है तो भी रूल काम नहीं करेगा. अगर यहाँ सैटर्न से सिक्स्थ में मार्स बैठा होता तो भी मार्स उसको सपोर्ट करता, सपोर्ट करने से मना नहीं करता, क्योंकि मार्स खुद ही दो ऐसी राशियों का स्वामी है जो एक दूसरे से 6-8 होती है, इसलिए मार्स को 6th या 8th में बैठने का अपोजिशन का दोष नहीं लगता. राइट, दिस इज रूल नंबर टू. ये रिसर्च आप इसको मेरा कह सकते हैं. और फंडामेंटली वैसे देखो मेरा कोई भी रिसर्च नहीं होता, दैट इज जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ श्लोका. बेसिकली रिसर्च में मेरा भरोसा आएंगे. मैं श्लोक पे सोचता हूँ, उसको चार्ट में देखता हूँ, काम करता हुआ दिखता है तो मुझे याद हो जाता है, तो वो मैं बोल देता हूँ. मैंने कोई नोट्स लेके मैं बैठा नहीं, स्क्रिप्ट में कुछ लिखता नहीं. राइट, वेरी गुड. ओके, कंडीशन इज इम्प्रूव्ड. मार्स की बात कर रहे हैं हम, मार्स ट्राइन में बैठा है, अपोजिंग कोई पोजिशन में नहीं बैठा. मार्स सैटर्न से 12th में होता तो पोजिशन होता, 6th-8th में पोजिशन होता नहीं, यहाँ तो त्रिकोण में बैठा है. बहुत ही बढ़िया. कोर्स के स्टूडेंट्स जो है उनको मैंने पहले बोल रखा भाई, त्रिकोणम सर्वत्र योजिएत. त्रिकोण में सेम तत्व होता है, सेम तत्व मीन्स एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सेम तत्व मीन्स एक ही बाप का खून. तो जो भी प्लैनेट ट्राइन में है दैट विल वर्क हार्मोनियसली टुगेदर टू डिस्ट्रॉय एन एनिमी. म्यूचुअल ट्राइन में बैठा हो प्लैनेट, अगर एनिमी भी होगा तो भी वो साथ मिलकर काम करेगा टू डिस्ट्रॉय समवन एल्स. इट इज सच ए फॉर्मेशन. तो यहां पर तो मार्स ट्राइन में बैठा है, इट कैन सपोर्ट, यस इट कैन, इट कैन सपोर्ट कंप्लीटली. तो मार्स के अंतर दशा में काम होगा, डन 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 डन. अब आ गई बात प्रत्यंतर दशा की, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. नाउ मैंने आपको पहले दो रूल बता रखे, उस दो रूल को आप भूलेंगे नहीं, उस दो रूल को आपको हमेशा इस्तेमाल करना है. पॉइंट वन, जो प्लेनेट सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो प्लेनेट जितना स्ट्रॉन्ग है वो उतना नीचे से काम कर सकता है. इफ वो प्लेनेट इज एक्सल्टेड वो अपनी प्रतंत्र दशा में भी काम करवा देगा. इफ वो प्लेनेट इज वर्गोत्तम प्रतंत्र दशा में भी काम करवा देगा. इफ वो प्लेनेट इज स्वग्रही प्रतंत्र दशा में भी काम करवा देगा. बट इफ द प्लेनेट इज ओनली सिचुएटेड इन द हाउस और ओनली सिचुएटेड विद द लॉर्ड विदाउट स्थान वाला, देन महादशा अंतरदशा में ही करवा पाएगा, प्रतंत्र दशा के लेवल पे जाके नहीं करवा पाएगा. अंतरदशा में भी वो तभी करवा पाएगा जब वो महादशा के लॉर्ड से कनेक्शन रखेगा, अदरवाइज नहीं. गॉट इट? यहाँ पर मार्स के पास कोई खास पावर नहीं है, मार्स इज जस्ट एन एनिमी साइन, क्योंकि बिकॉज वो ट्राइन में है सैटर्न से इसलिए वो इवेंट करवा सकता, अदरवाइज नहीं करवा पाता. अगर केंद्र में होता, एस्पेक्ट नहीं होता, नहीं करवा पाता. राइट, फोर्थ केंद्र में होता सैटर्न से तो नहीं करवा पाता, बाकी सारे केंद्र में म्यूचुअल एस्पेक्ट हो जाता, त्रिकोण में तो साथ है ही है. नाउ प्रतंत्र दशा की बात है. प्रतंत्र दशा के लिए 80% ऑफ द टाइम मैं दो रूल का इस्तेमाल करता हूँ शॉर्टलिस्ट करने के. उस कंसर्न डिविजनल चार्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट स्ट्रॉन्ग जानने के लिए मैं दो रूल इस्तेमाल करता हूँ, दिग्बल और स्थान बल. सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कीप इट इन द ऑर्डर, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. एक एक करके अप्लाई करते चलना है, जो 6-8-12 में गया हार्मोनियस नहीं रहा उसको एलिमिनेट करते जाना है, सिंपल प्रोसेस. यहाँ पर अगर मैं दिग्बल के हिसाब से क्वांटिफाई करूं, एक्साल्टेशन में देखता हूँ सैटर्न इज एक्साल्टेड, देन आई विल से मूल त्रिकोण, जुपिटर इन मूल त्रिकोण, डन. राइट, देन स्वग्रही पे आते हैं, मरकरी स्वग्रही, डन. फिर अपन दिग्बली पे आते हैं, एनी प्लैनेट दिग्बली, नो. वी हैव थ्री प्लैनेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सैटर्न जुपिटर मरकरी. नाउ वी हैव टू सी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैन सैटर्न रिपीट हिमसेल्फ. ये क्वेश्चन मैं बार बार प्रेजेंट करता हूँ, बार बार पूछता हूँ मैं आप लोग, बार बार मैं बोलता हूँ. क्या है कि अकॉर्डिंग टू लघु पराशरी प्लैनेट अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा में फल नहीं देता, ऐसा लघु पराशरी का कहना.
लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है जो मैं सबसे पूछता हूँ कि अगर प्लेनेट अपनी महादशा और अपनी अंतरदशा में फल नहीं देता तो क्या पहली अंतरदशा में कोई फल नहीं होते? ऐसा नहीं है, फल होते हैं। लघु पराशरी का कहना है कि अगर अकेला ही प्लेनेट राजयोग बना रहा हो तो अपनी दशा और अपनी अंतरदशा में ही आने से वो राज्यों का फल चालू नहीं करता, दूसरे ग्रहों का सहयोग लेने से उसी हिसाब से ऊपर नीचे राज्यों चालू करता है, अकेले दंपे नहीं कर पाता, ऐसा लघु पराशरी का कहना है, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन कहता है। लोगों का इंटरप्रिटेशन डिफर करता है, लेकिन जैसा कि मैं कोर्स में आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, बार बार पूछता है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब सैटर्न सैटर्न चल रहा है तो कुछ फल ही नहीं होगा? होगा, राइट। तो कौन सी वो सिचुएशन है जब प्लैनेट अपने आप को रिपीट कर सकता है दशा में? रिपीट करने का मतलब क्या है? सेम प्लैनेट की दशा, सेम प्लैनेट की अंतरदशा में कोई इवेंट हो जाना, या सेम प्लैनेट की महादशा और सेम प्लैनेट की सूक्ष्म दशा में कोई इवेंट हो जाना, सूक्ष्म दशा बहुत छोटा हो गया, सेम प्लैनेट की महादशा और सेम प्लैनेट की अंतरदशा में कोई इवेंट हो जाना, इसको मैं रिपीटेशन कहता हूँ। सेम प्लैनेट की महादशा थी, सेम की अंतरदशा थी, इवेंट हो गया। सेम की महादशा थी, सेम की अंतरदशा थी, इवेंट हो गया। प्लैनेट दो बार रिपीट हो रहा है, इसको आई से रिपीटेशन। तो प्लैनेट रिपीटेशन करने के लायक कब होता है? ये रूल मैं हर बार हर क्लास में ऑलमोस्ट बोलता हूँ, इसमें दशा इस्तेमाल करता हूँ, कि जब प्लैनेट स्थान बली हो, खास करके एक्साल्टेड या रेट्रोग्रेड, उस समय प्लैनेट हमारे को रिपीट कर सकता है, राइट। तो यहां पर क्योंकि सैटर्न स्थान बली है और रेट्रोग्रेड भी है, इट इज वेरी मच प्रोबेबल दैट ही कैन रिपीट इट, राइट। सो आई विल रेदर से कि सैटर्न मार्स सैटर्न में इस आदमी की शादी हो सकती है। अब मुझे सूक्ष्म दशा निकालनी है। अब मैंने प्लेनेट को तीन के ऑर्डर में डाला था, आपको अगर याद हो, सैटर्न, जुपिटर और मरकरी। उसमें मैं सैटर्न को यूज नहीं करता, उसमें मैं सैटर्न को यूज नहीं करता, प्रोवाइडेड द फैक्ट सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं होता। लेकिन सैटर्न क्योंकि रेट्रोग्रेड है, इसलिए मैंने उसको रिपीटेशन के रूल के लिए यूज किया है एक बार। अब मैं उसको दोबारा यूज नहीं करूंगा, राइट। अब मैं उसको दोबारा यूज नहीं करूंगा। अब मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट को लूंगा। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? हमने लिखा था सैटर्न, हमने मन में लिस्ट में था सैटर्न, जुपिटर, मरकरी। तो सूक्ष्म दशा आई विल टेक ऑफ जुपिटर, देन इट विल कम टू प्राण दशा। तीन प्लैनेट बने थे, ये बड़ा इजी चार्ट है, मुझे तीन ही लेवल चाहिए थे, तीन ही प्लैनेट निकले। बहुत बार ऐसा होगा कि तीन से ज्यादा प्लैनेट निकलेंगे, लेकिन आपको तीन लेवल चाहिए होगा, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन आपको लाना पड़ेगा। कई बार क्या होगा, आपको तीन लेवल चाहिए होंगे, एक ही प्लैनेट निकलेगा, वहां भी आपको डिस्क्रिमिनेशन लाना पड़ेगा, राइट। और इस डिस्क्रिमिनेशन के इस्तेमाल की वजह या इस डिस्क्रिमिनेशन को लाने की नेसेसिटी ही वो रीजन है कि ज्योतिष में कुछ फिक्स नहीं हो सकता, राइट। प्राण दशा में कौन आएगा? तीसरा बचा है मरकरी, ठीक है जी। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि जून, 3 जून 2052 से 16 जून 2052 के बीच में तेरी शादी हो। अब इसमें भी ये पूछेगा, सर कौन से दिन बोलो मुझे? तो 3 से 16 के बीच में कितने दिन होते हैं भाई? 13 दिन। तो मुझे 13 दिन में डिसाइड करना है। अब 13 दिन में क्या चेंज होगा? कौन 13 दिन में ट्रांजिट चेंज करता है? सन तो नहीं करता, वीनस करता है कि मरकरी करता है, मुझे देखना पड़ेगा, राइट। मून तो करेगा ही करेगा। जो भी प्लेनेट ट्रांजिट चेंज कर रहा है, उस प्लेनेट को आप अष्टकवर्ग में देखेंगे, खास करके वो प्लेनेट जो प्लेनेट की स्ट्रांग। देख लें क्या, चार्ट करके देख लें क्या? एक अलग मैं जगन्नाथपुरा खोल लेता हूं जरा। मुझे 3652 चाहिए, 3652 से 16652 चाहिए, ठीक। 3652 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून 3 20 52 सुबह के 6 बजे मेल न्यू दिल्ली इंडिया। 3 से 16 के बीच में देखो भाई, संत राशि बदलेगा 15 को, एक आ गया मेरे पास, ठीक है। और कौन बदलेगा 3 से 16 के बीच में? मून बदल सकता है। सैटर्न का मैं डिग्री देख लूं, 7 नहीं बदलेगा। जुपिटर का डिग्री 1 नहीं बदलेगा। वीनस का डिग्री 4 मुश्किल है बदले, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा। मरकरी का डिग्री 4 मुश्किल है बदले, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा। मार्स का डिग्री 24 बदल सकता है। देखते हैं कौन कौन पोजीशन बदला।
डे के हिसाब से कर लेता हूँ, ठीक है जी। पहले सन का डिसाइड कर लेते हैं मोटा मोटी। अभी सन को मैंने पहले क्यों पकड़ा, उसके रीजन है सन सेवंथ लॉर्ड है, राइट। अष्टक वर्ग का रूल आपको पता होगा, जितने ज्यादा बेनिफिट पॉइंट उतना बढ़िया रिजल्ट। सन 3 जून को टॉरस में है, आई थिंक 15 जून के आसपास इसको राशि बदलना चाहिए। अरे चेंज नहीं हुआ, सोलह जून को ही ये राशि बदल रहा है शायद, 16 जून को राशि बदल रहा है। 16 जून को ये भैया अब जेमिनी में आ रहा है। अब मैं इस चार्ट में देखूंगा, इज जेमिनी मोर फेवरेबल फॉर हिम और टॉरस। मैं देखता हूं कि जेमिनी में इसको मिला है 3 पॉइंट, टॉरस में मिला है 4। नाउ आई एम वेरी श्योर कि टॉरस में ही काम होगा। तो 3 से 16 तक की मुझे डेट देखनी थी, 16 हट गया, अब 3 से 15 के बीच ही देखना है मुझे। इसमें सन चेंज नहीं कर रहा मुझे पता है। अब मैं बाकी को देख लू, कोई बदला कि नहीं बदला, राइट। तो एक और चार्ट में खोल लेता हूँ, चलो एक और जगन्नाथपुरा खोल लेता। मुझे चाहिए था जनवरी, छठवां महीना चला गया, जून है ना, 1 2 3 4 5 जून 3 20 52 6:00 AM मेल न्यू दिल्ली। ये मेरा प्लेनेटरी पोजीशन है, ये मेरा 16 तारीख का चार्ट है। किस किस ने राशि बदला मैं अगर देखूं, मैं ये पाता हूं कि सन ने राशि बदला है। सन मुझे पता है टॉरस में काम होगा, राइट। और किसी ने राशि चेंज किया है क्या? मार्स ने राशि चेंज किया है और मून ने किया है, राइट। 16 तारीख के चार्ट में मैं मार्स को देख रहा हूं कहां, पाइसिस में। लेकिन 3 तारीख के चार्ट में मैं इसको देख रहा हूं एक्वेरियस में। अब मैं फिर से नेटल चार्ट पे जाता हूं और मैं देखता हूं कि क्या था ये एक्वेरियस का क्या था, मैं क्लियर है कि एक्वेरियस और पाइसिस में से मार्स के लिए क्या बढ़िया है। मैं देखता हूं मार्स का अष्टक वर्ग यहां मेरे पास नीचे है, एक्वेरियस में इसको 4 पॉइंट है, पाइसिस में इसको 1 पॉइंट। आई एम वेरी श्योर कि जब मार्स जो है एक्वेरियस में रहेगा तभी काम होगा। अब मैं ट्रांजिट को इतना पीछे ले जाता हूं कि मार्स एक्वेरियस में ही रहे। अब मैं ट्रांजिट को पीछे करना चालू करता हूँ, चलो मार्स को मुझे एक्वेरियस में चाहिए वापस ना, तो मार्स है 3 डिग्री पे, पीछे कर देता है यार। राइट, 10 जून को, 11 को मतलब 11 जून को मार्स जा रहा है पाइसिस। मुझे पता है कि मार्स पाइसिस में हो नहीं सकता, मैंने ट्रांजिट यूज किया। अब पहले मेरे पास जो फ्रेम 3 से 16 का था, अब वो फ्रेम घट के 3 से 10 हो गया है, राइट। अब मुझे पता है कि 3 से 10 के बीच में कोई प्लैनेट अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, एक को छोड़। वो एक कौन है? वो एक है मून। मून कितना बदल सकता है? 3 से 16 के बीच में मून कितना, देखो मून को 12 राशि पार करने के लिए 1 महीना चाहिए अप्रोक्सीमेशन। यहां पर कितना पार कर सकता है? 3 तारीख के चार्ट में मैं देखता हूं कि मून इज इन लियो, 10 के चार्ट में मैं देख रहा हूं मून इज इन लिब्रा। 3 साइन है मून की, लियो वर्गो लिब्रा। इस 3 में से 1 में जब मून रहेगा तब वो काम करवाएगा। अब मैं इस 3 में से 1 को अष्टक वर्ग पॉइंट के लिए चेक करूंगा, देख लेते हैं किसमें ज्यादा है। अब तक टाई का मामला नहीं आया, ये चार्ट इजी है बहुत। लियो से लिब्रा के बीच में अगर मैं कंपेयर करूं तो वर्गों में मून को सबसे ज्यादा पॉइंट है। अष्टक वर्ग के बारे में आपको एक बात पता होगा कि फोर्थ इज टाई,
Fourth is 50 good, 50 bad, below than fourth, bad, above than fourth, good. Right? Now, Mars, Moon in Virgo Rashi. कोष्टक वर्ग में तो अच्छा पॉइंट मिल रहा है बट इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड से होने का मांगता है नहीं तो काम नहीं चलेगा मेरा राइट यहां पर काम चल जाएगा क्योंकि मून अपना नेटल पोजीशन में आएगा तो वही कंडीशन होगी जिस कंडीशन पे हमने सैटर्न को शॉर्टलिस्ट किया था कि डिस्पोजिटर ऑफ वीनस एंड सेवंथ लॉर्ड कमिंग अंडर द 10th एस्पेक्ट ऑफ नेटल सैटर्न सेम कंडीशन आएगा तो अब मैं बड़ा श्योर हूं कि जब मून वर्गों में रहने का है तभी होगा चल अब मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूं इसको अब मैं मून को वर्गो ले आता हूं एक दिन पीछे कर दिया मैंने एक और दिन पीछे कर दिया मैंने एक और दिन पीछे कर दिया मैंने अब मून वर्गों में आ गया जून 7 को जून 6 को भी मून वर्गों में है जून 5 को मून लियो में चला गया अब मुझे पता है कि जून 6 से जून 7 के बीच में इसकी शादी होती है अब मुझे वगैरह सर मुझे तो और रेक्टिफाई करके दो मैं नहीं मानता मुझे रेक्टिफिकेशन चाहिए अब और मुझे रेक्टिफाई करके दो किस घंटे और डिटेल दो मुझे ऐसा बोल दिया भाई पैसे ले लिया ना मैंने अब क्या आपका मुझे 3 लाख रुपए दे ही दे तो काम करना पड़ेगा ना ज्यादातर मैं करता नहीं मैं बता रहा हूँ अब क्या दिया उसने भैया दे ही दो सर और जस्टिफाई तो एक चीज होती है जो होती है इसमें कहते हैं कक्षा बड़ा अच्छा प्रिंसिपल आज से पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया होगा शायद आज ही डिस्कस कर रहा हूँ बड़े कोर्स के बच्चे सवाल पूछने वाले हैं कोई बात प्रस्तार अष्टक वर्ग ऑफ मून अब हमें पता है कि मून को क्या नाम है इसका मून को वर्गों में कितने पॉइंट मिले थे भाई मून को वर्गों में मिले थे 6 पॉइंट 6 पॉइंट किस किस प्लेनेट ने दिया यहां पर आपको दिखेगा मार्स मरकरी सन मून वीनस जुपिटर इन 6 प्लेनेट्स ने इसको पॉइंट दिया था इन पॉइंट देने वालों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शादी करवाने वाला कौन है उसके कक्षा में चंद्रमा के आने से ही विवाह होगा ठीक है जी सन सेवंथ लॉर्ड ही है हो गया मून का सेवंथ हाउस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं मार्स का भी कोई खास कनेक्शन है नहीं मरकरी का भी कोई खास कनेक्शन है नहीं जुपिटर सेवंथ लॉर्ड को देख रहा है जुपिटर का कनेक्शन है जुपिटर वीनस कनेक्शन वीनस कारक है साथ में बैठा है तो वीनस भी हो गया सैटर्न तो देख नहीं रहा राहु कंसिडर्ड है नहीं मैं 7 स्टोर यूज कर रहा हूँ 8 नहीं कर रहा हूँ राहु मैं नहीं कर रहा हूँ अब मेरे पास 2 प्रोबेबल प्लेनेट है एक है जुपिटर और एक है सन मैंने नवांस में एक टेबल बनाया था स्ट्रॉन्ग वाले का याद होगा आपको है ना उसमें स्ट्रॉन्ग की लिस्ट में जुपिटर तो आ रहा था सन तो आ नहीं रहा था तो ये 6 में से मैंने डिसाइड कर लिया कि जब जुपिटर की कक्षा में आएगा तो शादी करवाएगा अब कक्षा नाम का कीड़ा जो है वो बड़ा विस्तृत कीड़ा है ट्रांजिट शुभम आलोक मैंने आर्टिकल लिखा छोटा सा नोडल ट्रांजिट जुपिटर ट्रांजिट एक्सपर्ट शुभम आलोक कोरा गोचर विचार होगा इसका नाम आर्टिकल का जहां तक मुझे याद है इसमें मैंने कक्षा टेबल शायद दिया है नए वाले में तो दिया ही है मैंने रिटर्न वाइज शुभम आलोक मैं भी पहले छोटे आर्टिकल लिखता था मैं बहुत गरीब आदमी हुआ करता था फिर मेरी आंखें खुली ये मेरा नई वेबसाइट पे आर्टिकल है बेसिकली कक्षा कहाँ है इसमें अष्टक वर्ग थंब रूल ऑफ अष्टक वर्ग जुपिटर कक्षा ओके ये कक्षा डिवीजन है आपको शायद
पढ़ सकते हैं जैसे आप, देर आर एट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन अष्टक वर्गा, आर राशि इज ऑफ 30 degrees, hence when 30 is divided by 8, it gives 375, this is one kaksha which is ruled by planets according to their speed. Hence in any sign, 0 to 345 degrees ruled by Saturn, 345 to 730 Jupiter, 730 to 1115 Mars, etc. यहाँ पर इस चार्ट में अपने को पता है कि जुपिटर वो प्लेनेट है जो मून के प्रस्तर अष्टक वर्ग में पॉइंट दे रहा है, इसलिए उसकी कक्षा में काम होगा, राइट राइट। जुपिटर 345 से 730 के बीच में जुपिटर है, 345 डिग्रीज टू 730 डिग्रीज इन एनी राशि इज जुपिटर, ओके। अब मैं वापस इस चार्ट पे आता हूं, विस्तार 345 टू 730 याद रखना आप, 345 टू 730 यहां पर है मून, मून है 10 डिग्री का, पीछे कर देता हूं जरा, 345 टू 730 था, याद है आप लोगों को, रखिए देख से 10 डिग्री और ओए होए पता चला गया, मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, हाँ मैं मून का डिग्री बढ़ा रहा हूँ हल्का हल्का, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो बता, ये 3 से 7 को मैं पूरा 3 क्रॉस ही कर 4 से ही ले लेता हूँ, 345 समथिंग 4 से मान लेते हैं, 4 degrees 10 minutes में जून 5 2022 को शाम के 4 बजे मून आता है, ठीक है जी, 3 से 7 चाहिए मुझे, राइट। तो जून 5 के शाम 4 बजे से लेकर के, जून 5 के शाम 4 बजे से लेकर के जून 6 की 12 बजे घड़ी चेंज होती वाला मान करके, जून 5 के शाम 4 बजे से लेकर के जून 6 के सुबह 1 बजे तक के बीच में इसकी शादी होगी, ऐसा हम डिटेल्ड करके कह सकते हैं, विस्तार के साथ कि भैया दिन नहीं दिन में घंटा बोलूंगा कब होगा, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि आप मुझे 3 लाख रुपए दें, एकदम पूरा डिटेल बताऊंगा भैया, पैसा अच्छा दोगे, और सर फ्री में एक चार्ट कर दो बोलोगे तो फिर मैं, हाँ शादी हो जाएगी 2022 से 2025 के बीच में, जब आ जाए हम लगा रहे हैं दिमाग, थोड़ा खोपड़ी गर्म कर रहे हैं तो थोड़ा तो ठंडा करने के लिए पैसा चाहिए ना, वॉट एवर जो सपाट, this is the method to make accurate predictions. Now, ये वीडियो देख करके आप accurate prediction कर लोगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ डिटेल में नहीं बताया, मैंने आपको कंसेप्ट दिया, इसमें 3 अड़चने आएंगी आपको, पहली बात तो दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा प्राण दशा सूक्ष्म दशा देह दशा तक आने का, क्योंकि यहां पर आप अगर देख पा रहे हैं ठीक से, अगर आप देख पा रहे हैं इधर, तो मैं जो है देह दशा तक आया हूं, देह दशा तक आने का कोई फिक्स रूल नहीं है, एक फिक्स रूल नहीं है, बहुत सारे रूल्स हैं, उन बहुत सारे रूल्स को अप्लाई करके आपको पहले करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचना है, क्योंकि देखिए बाद में जो मैंने अष्टक वर्ग का खेल किया दैट इज मोर और लेस फिक्स्ड, अष्टक वर्ग कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेड टेक्निक नहीं है, अष्टक वर्ग को रेगुलर रूल्स बहुत कम है, अष्टक वर्ग इज जस्ट अ स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड टेक्निक, अष्टक वर्ग का जो हमने रूल फॉलो किया हमने उस प्लेनेट को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जो प्लेनेट की राशि चेंज कर रहा है देह अंतर दशा के अंदर, उसमें चेंज राशि में से कौन सी राशि ज्यादा प्रोबेबल है देने को उस राशि को हमने सिलेक्ट कर दिया, प्लेनेटरी पोजिशन उस राशि के हिसाब से लाते गए, अंत में सबसे ज्यादा फिकल मून होता है तो हमने मून को पकड़ लिया, मून ने 3 राशि बदली, 3 में से हमने एक को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, उस राशि में हमने कक्षा पकड़ लिया, कक्षा के अंदर हमने मून को सेट कर दिया, ये काम पूरा मैकेनिकल हो जाता है, सेम मेथड वर्क, इट इज कम्प्लीटली मैकेनिकल, उसमें कुछ नहीं, जैसे केपी है ना तो केपी एस्ट्रोलॉजी है ना, केपी एस्ट्रोलॉजी मोर और लेस देन मोर और लेस मैकेनिकल, तो ये प्रोग्रेसिव मैकेनिकल है,
लेकिन इस प्रोसेस में पहुंचने से पहले मां दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, देह दशा, ये पांच लेवल ऑफ दशा या छह लेवल ऑफ दशा जो आप बोले, इस छह लेवल ऑफ दशा तक आने के लिए फॉर्मूला कोई नहीं है, रूल एक से ज्यादा है, सब रूल काम करते हैं और कोई रूल काम नहीं करता, डिपेंड करता है आपके एक्सपर्टाइज और आपकी समझ में, समझे ना जी, ऐसा है राइट, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे करके होता प्रेडिक्शन। तो दिस इज द वे टू टाइम मैरिज। पिनाकी जी ने बोला था D60 पे इंट्रोडक्शन वाला कर लेते हैं, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 10:06 हो रहे हैं, है ना, तो आज के लिए यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। D60 पे तो हमने एक सेपरेट 3 दिन का वेबिनार करना ही है, तो उसका मैं जरा सिलेबस आज कल में अनाउंस करता हूँ, फीस अनाउंस करता हूँ, और अगले संडे मोस्ट प्रोबेबली हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे D60 का। वैसे इंट्रोडक्शन की ज्यादा कुछ खास आवश्यकता नहीं है, 3 आर्टिकल मैंने लिखे हुए हैं, फिर भी हो सकता है हम कर लें एक दिन।